हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता ब्लॉग्स पे। आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो शूट कर रहे हो जो कि ना कोई हेयर स्टाइल से रिलेटेड है, ना कोई वीडियो ब्यूटी से रिलेटेड है। आज की वीडियो है मेरी बिग बॉस से रिलेटेड। लास्ट 3 मंथ से मैं बिग बॉस को बहुत फॉलो कर रही हूँ, तो आज सोचा उसी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं कि कौन होगा बिग बॉस का विनर। आपको क्या लगता है? अभी टॉप 5 में प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन और अर्चना शालीन है, तो आपके हिसाब से, या मैं अपने ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से, कि कौन होगा जो बिग बॉस का विनर बन सकता है इस बार? पिछली सारे सीजन्स को देखा जाए तो बिग बॉस में ज्यादातर जो उनका फेस होता है, कलर्स का फेस होता है, वो ही बिग बॉस विनर बनता है। तो 5ों में देखा जाए तो प्रियंका के चांसेस सबसे ज्यादा है, और हो भी क्यों ना, उसने बहुत अच्छा गेम खेला है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। पर्सनली मैं भी उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उसको और अंकित को की वजह से ही बिग बॉस देखना शुरू किया था। एंड में अब जब प्रियंका यहाँ तक पहुंची है तो मुझे लगता है कि प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन शिव और एमसी स्टैन के चांसेस भी बहुत हैं कि उनकी फैन बेस बहुत है, शिव की भी फैन बेस बहुत है बिग बॉस मराठी की उससे। तो इन तीनों का टॉप 3 में जाने के पूरे चांसेस हैं। शालीन और अर्चना वो टॉप 5 तक ही रहेंगे। टॉप 4 में जहां तक मुझे लगता है अर्चना जाएगी, 5th में शालीन निकल जाएगा। तो यही है कि प्रियंका के चांसेस बहुत हैं। उसने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया है पूरे बिग बॉस सीजन में, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे कोई भी घर का मुद्दा हो, उसमें उसने हर किस में बोला है। हर वीकेंड के बाद पे उसको क्रिटिसाइज किया गया, सलमान खान से भी बहुत डांट पड़ी, सारी चीजें उसने, लेकिन उसने बहुत अच्छे से, जो कहते हैं ना एक ट्रू विनर की जो पोजीशन होती है, उसने पूरा उसको शुरू से लेके होल्ड करके रखा। शुरू के 2 या 3 वीक्स में उसको देख के ही लग गया था कि हाँ, ये टॉप 2 में तो जाएगी ही जाएगी। चाहे उसको किसी ने बोला कि बहुत टांग अड़ाती है, बहुत लाउड है, और ये सब तो बिग बॉस तो है ही लाउड। किसने कहा कि हाँ हम सत्संग करने आए हैं? बिग बॉस में तो लड़ने ही जाते हैं, बेसिकली सभी लड़ते हैं। तो ये कहना कि नहीं बहुत लाउड थी, उसको हमेशा बिग बॉस के उस पे, अगर वो अपने दोस्तों का साथ नहीं देती थी तो बोलते थे कि तुम दोस्तों का साथ नहीं देती हो, और तरह बहुत सारी चीजें बोली गई। एट द एंड सभी बोलते हैं कि इंडिविजुअल खेलो, इंडिविजुअल खेलो, तो वो बंदी इंडिविजुअल ही खेली है स्टार्टिंग से। तो कह सकते हैं कि प्रियंका ही जीतेगी। प्रियंका को देख के लगता था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अपने बिल्कुल क्लियर रही है वो स्टार्टिंग से। उसने अपनी और अंकित की फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप का ही वो दिया। वो और अंकित चाहते तो एक लव एंगल स्टार्ट कर सकते थे। अंकित लास्ट तक सरवाइव करता, मुझे बिल्कुल पूरे चांसेस लगते थे अंकित टॉप 5 में जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ, सबने ऐसी प्लानिंग्स की, एंड में बिग बॉस ने सारी डिसीजन कंटेस्टेंट के हाथ में दे दिया और अंकित चला गया। एंड दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा था कि अब प्रियंका बहुत स्ट्रांग बन के निकलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां अंकित की बात आती थी लोग उसका वीक पॉइंट पकड़ते थे और उसको टारगेट करते थे। उसके प्रियंका के जा अंकित के जाने के बाद प्रियंका ने इतना अच्छा गेम खेला, लोगों ने उसे बोला कि वो लॉस्ट हो गई है, वो नहीं, कहीं भी से कहीं तक नहीं लगा कि हाँ वो लॉस्ट हो गई है। उसने बहुत अच्छा गेम खेला। ये कह लो कि इन 3-4 महीने जो भी बिग बॉस चला है, मैं सिर्फ प्रियंका की वजह से बिग बॉस देखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब देखें, जैसे सीजन 13 में हुआ था ना कि सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन था, यही ये प्रियंका का सीजन था। लोग जैसे सिद्धार्थ और शहनाज को याद करते, वैसे ही लोग प्रियंका और अंकित को याद करेंगे कि हाँ उन दोनों का सीजन था। भले ही अंकित लास्ट तक नहीं गया, लेकिन जितने भी मूवमेंट उन दोनों के थे वो मतलब भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, जगह जगह वो फेमस हो गए बिग बॉस की वजह से। सीरियसली बताऊं तो सीजन 13 के बाद मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया था। मैंने 2 सीजन बिल्कुल नहीं देखे। फिर ये वाला जब सीजन आया तो सडन ऐसा लगा जब प्रियंका और अंकित को देखा कि हाँ ये सीजन देखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली बहुत बहुत एंजॉय किया ये वाला सीजन। अब जब ये खत्म होने वाला है तो यही लग रहा है 10 से 11 क्या देखा करेंगे, अब क्या पूरा टाइम किसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट ढूंढा करेंगे, प्रियंका के बारे में क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वही जो होता है ना, एक खालीपन सा रह जाएगा, वो वाली फीलिंग आ रही है। बट हाँ, होपफुली प्रियंका ही जीते, लेकिन एट द एंड डेस्टिनी मैटर करती है लोगों की। आप सब अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि कौन जीतना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऑल द बेस्ट प्रियंका।
आई होप कि तुम बिग बॉस 16 जीतो। लव यू, बाय।